भिवानी जिला रोजगार कार्यालय में उपायुक्त नरेश नवाल के निर्देशानुसार आज सोमवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 90 से अधिक प्रार्थियों को जी4एस व श्रीराम इंश्योरेंस कंपनी और बैंक सेक्टर से मौके पर ही जॉब मुहैया करवाई गई तथा प्रार्थियों का साक्षात्कार के आधार पर चयन किया गया। जिला रोजगार अधिकारी कविता और असिस्टेंट दीपक शर्मा ने बताया कि उपायुक्त नरेश नवाल के मार्गदर्शन में रोजगार के लिए समय समय पर रोजगार विभाग द्वारा मेलों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में स्थानीय रोजगार कार्यालय में 8-7 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि 200 से अधिक प्रार्थियों ने इस मेले में हिस्सा लिया और कंपनीज के माध्यम से इस मेले में भाग लेने वाले प्रार्थियों की योग्यता अनुसार साक्षात्कार लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेले में चयनित प्रार्थियों को 10 से 15 हजार रुपए का वेतन के साथ साथ इंसेंटिव भी दिया जाएगा, जो कि युवाओं के लिए रोजगार पाने का बहुत अच्छा अवसर है और ये साक्षात्कार बिल्कुल निःशुल्क है, कहीं भी खर्ची पर्ची की आवश्यकता नहीं है। आज 7 अगस्त 2023 को डीसी कॉलोनी स्थित रोजगार कार्यालय में उपायुक्त माननीय श्री नरेश नरवाल जी तथा कविता मैडम के सानिध्य एवं मार्गदर्शन में, जो कि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर उनके सानिध्य में, हमने रोजगार मेले का आयोजन किया है, जिसमें आज 200 प्लस कैंडिडेटों की जो है उपस्थिति दर्ज की गई है और 90 प्लस कैंडिडेट्स को हमने हाथों हाथ जॉब प्रोवाइड कर दिए हैं। इसमें 5 कंपनियां आज आई हुई थी, एक जी4एस सिक्योरिटी, HDFC बैंक, SBI बैंक, कोडेक महिंद्रा बैंक और एक बायो फर्टिलाइजर की कंपनी थी और उसके अलावा श्रीराम इंश्योरेंस। तो इन 5-6 कंपनियों का हमने जो है अच्छी तरह आज जो रोजगार कार्यालय में इंटरव्यू लिए बच्चे कैंडिडेट्स के, जो उनका डाटा था वो फीड किया और उसके बाद उन्हें ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया गया है। कैंडिडेट इंटरव्यू के आधार पर चुने गए हैं। जो इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयर थे वो कैंडिडेट का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे, उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो डिमांडिंग फैक्टर थे उनके उन पर जांचा गया है और अभी भी इंटरव्यू चल रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस तरह के मेलों का सबसे अच्छा प्रभाव समाज पर यह पड़ता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई एक जगह पे इकट्ठे होकर मिल जाते हैं, जिससे यूथ को एक प्लेस मिल जाता है जहां से वो जॉब के लिए या फिर इंटरव्यू कंडक्ट करके खुद को प्रूव कर सकते हैं। और फ्यूचर में जैसा कि आप सबको पता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है तो उसके सोसाइटी पर डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। जैसे यूथ जो है वो डिमोटिवेटेड कम रहता है, उसे उसकी मेहनत पर भरोसा हो जाता है और साथ ही साथ पूरे हरियाणा सरकार के द्वारा जो स्कीम्स चल रही हैं उनका लाभ भी उसे यहाँ आकर पता मिल जाता है और उसे उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। रोजगार हरियाणा सरकार द्वारा लगाए जाने वाले रोजगार मेले में प्राइवेट सरकार की कंपनी आती है, यहाँ पे जितने भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो आकर अपना जो है इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं और साथ ही साथ जॉब ऑफर करती हैं। एक डाइवर्स फील्ड और एरिना से हमारे पास जो कंपनियां वो आई हुई हैं, जैसे कि हमारे पास इंश्योरेंस की कंपनी आई हुई है, उसके बाद सिक्योरिटी से रिलेटेड जो जॉब ऑफर कर रही है उनकी कंपनी आई हुई है, बायो फर्टिलाइजर्स की कंपनी आई हुई है, तो हमारे पास डाइवर्स फील्ड अवेलेबल है। यहाँ पे 7 अगस्त 2023 को एक रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें बेरोजगार युवा समय समय पर, हम ये रोजगार लगाते रहते हैं मेले, और इसमें बेरोजगार युवा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रोजगार प्राप्त करके रोजगार सर हो सकता है। देखिए सर, जो हमारी ये जो है प्रक्रिया है ये निशुल्क होती है। इवन मैं ये कहूँगी कि हरियाणा रोजगार विभाग की जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो जॉब फेयर है, चाहे वो सक्षम योजना है, बेरोजगारी भत्ता है, 1-to-1 काउंसलिंग है, या इससे अदर देन जो भी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं कैंडिडेट को, वो सारी की सारी निःशुल्क है। इवन जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है वो भी निःशुल्क होता है, और कैंडिडेट अगर उसका 3 साल के बाद अगर वो रिन्यूअल नहीं करा पाता तो वो दोबारा से भी रजिस्टर्ड हो सकता है।